वालेकुम अस्सलाम। कैन यू ऑल हेयर मी? उमर लिमिटलेस अरहम शहीद। कैन यू गाइस हेयर मी प्रॉपरली? वालेकुम अस्सलाम बॉस। ओके ग्रेट। हाँ, इट वर्क्स फॉर IGCSE एज वेल। हाय अली रजा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन लाइक 10 मिनट्स, राइट? सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन अस। अंटिल देन यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग यू वॉन्ट। एंड जो जस्ट पैनिकिंग, या सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है साथ। हाँ, इट हैपन्स दैट यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट एन एग्जाम। ओह थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यू विल गेट बेटर मार्क्स IGCSE स्टडी इफ यू स्टडी फॉर IGCSE फॉर 3 ईयर्स एंड गिव CIE ऑफ ऑल लेवल्स। यू विल फाइंड ऑल लेवल्स प्रीटी ईजियर। प्लीज फैक्ट्स बता दें जो P2 में आ सकते हैं। फैक्ट्स फैक्ट्स ही हैं यार सारे, फिक्शन तो कोई भी नहीं आ रहा। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स? हैविंग ग्रेट ट्रबल विद इक्वेशंस। विच इक्वेशंस? सही है उमर। जी सोई, क्या हुआ? ये मोस्ट स्टोइकोमेट्रिक करवा दें। आई एम हैविंग ट्रबल ओनली इन देम। यार अब मोस्ट शुरू से तो नहीं हो सकता, बट विल डेफिनेटली डू। अजीन, कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन रिएक्शन इन एल्केन्स? या यू कैन, यू विल जस्ट मेक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। एल्केन लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वाटर, एंड देन बैलेंस इट। बैलेंसिंग हो जाएगी। अरे यार MCQs में तो अभी टाइम है। उमर सर के साथ फ्लर्ट कर रहा है, अल्लाह माफ करे। यस वही, इट विल बी अपलोडेड। इट ओनली कवर्स एस्टेरिफिकेशन एंड पोलीमराइजेशन, नथिंग एल्स। आयोनिक एंड वेन बैलेंसिंग। ओके, आयोनिक इक्वेशन में स्ट्रगल कर रहे हो। बैलेंसिंग इज प्रिटी ईजी यार। विल सी, कुछ टाइम बचेगा। विल रन दिस स्ट्रीम, विल रन दिस स्ट्रीम टिल 11 इंशाल्लाह। ओके, सो मायाल इज हेयर। वालेकुम असलम। आई ट्राई यार, आई ट्राई। Paper 6, Paper 4 के लिए। Paper 4 आएगा, अभी आना है। अभी Paper 2 की फिक्र करो। कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन सी आयोनिक इक्वेशंस हैं? सारंग? यस यू कैन हाद, बट इजंट इट टू लेट नाउ? यू हैव जस्ट वन डे। हाउ मच रियली आर यू गोइंग टू ग्रास्प इट? अगर आप फर्स्ट टाइम टच कर रहे हो तो आई रेकमेंड कि पहले शॉर्ट सीख लो और इस तरह ग्रेड्स में आप फिर प्रोग्रेस करते हुए जाओ। आई थिंक इट्स ओके, कर सकते हो। ओके हेज़ो, विल स्टार्ट सून इन लाइक 3 to 4 मिनट्स। एट 9:10 विल स्टार्ट। ओके प्लीज डू लेट मी नो विच ऑफ दीज इक्वेशन आर कार्बन, इंक्लूड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको आयोनिक करना है।
मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड की वो होगी, डिसोसिएशन वगैरह होगी। मेरा कैंप P1 लास्ट है इन 20 डेज का गैप है। हाँ उसमें P1 करेंगे हम लोग, सबका ऐसे ही है। P1 में यूजुअली जो है वो 2 वीक्स का एटलीस्ट गैप होता है, तो उन 2 वीक्स में P1 होते हैं यार। IGCSE स्टडी, IGCSE का जो पेपर 4 होता है वो O-levels के पेपर 2 से डिफिकल्ट होता है। IGCSE हैज़ लाइक मोर कॉन्टेंट इन देयर सिलेबस, एंड अब ओ लेवल्स भी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं बेसिकली। ओ लेवल्स आर मर्जिंग इन टू IGCSE, सून ये एक ही हो जाएंगे। लेकिन जो आपका पेपर 1 होता है ओ लेवल्स का, वो ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2 ऑफ IGCSE। आई फिनिश एट 11 हशाम। येस प्लीज़ डू। इसमें पिक्चर नहीं भेज सकते? पिक्चर नहीं भेज सकते, वरना पिक्चर भेजा था। वालेकुम सलाम ग्लूकोज। अ लॉट ऑफ अस, लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स नीड ग्लूकोज, कॉन्टेक्ट ग्लूकोज फॉर दैट। विच एग्जाम कैन वी स्कोर द बेस्ट एट? P4 इज वेरी इजी टू स्कोर, बट आई वुड से कि ये नहीं सोचो कि कौन से एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हो, ये सोचो किस में करना है। तो पेपर 2 इज वाइटल फॉर योर ग्रेड। ब्रैकेट इक्वेशंस एंड आयोनिक इक्वेशंस, व्हाट आर ब्रैकेट इक्वेशंस? सर आई हैव इंग्लिश टुमारो, शुड आई वॉच दिस स्ट्रीम? व्हाई नॉट, इंग्लिश पढ़ते ही आ रहे हो यार बचपन से। सर कुछ नहीं आता, ए आ सकता है। इफ ए स्टैंड फॉर समथिंग एल्स देन डेफिनेटली। अगर कुछ नहीं आता तो एक के का कुछ और बनाना पड़ेगा फिर। ए फॉर अंडा कर सकते हैं सर। अच्छा आप सब बायो और केमिस्ट्री की, फिजिक्स ऑल आर लाइक एक्चुअली मर्जिंग इनटू IGCSE। नहीं उमर, मैंने ओ लेवल्स नहीं किया था। नहीं मैंने पहले मैट्रिक FSC की थी एंड देन आई डिड केमिकल इंजीनियरिंग। गॉडफादर प्लेलिस्ट देखो मेरी, उसमें लाइन से एल्केन एल्कीन अल्कोहल का बॉक्स लिखे हुए हैं। टू मल्टीप्लाई देम, ब्रैकेट स्ट्रेस लगाते हैं हम ताकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड के आगे ब्रैकेट स्ट्रेस लगी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी। यू कैन एक्सपेक्ट हाशिम अ लॉट ऑफ ऑसमनेस, सम इंटिमिडेशन एंड बट इट्स इट विल बी फाइन यार। दे एक चीज़ याद रखना, एग्जामिनर जो होते हैं ना कैम्ब्रिज के, दे आर नॉट लाइक आर यूजुअल स्कूल टीचर्स। ओके उनको स्टूडेंट्स को परेशान करके खुशी नहीं मिलती, ठीक है? तो मतलब दे मेक बैलेंस पेपर्स। ऐसे सॉल्ट्स में सॉल्ट्स कर लें सिर्फ, खाली सॉल्ट समझ नहीं आएगा। 2 घंटे में एस्टर आता है बेटा, ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें 2 घंटे में एस्टर आता हो। सर 2 घंटे में एस्टर, अल्लाह माफ करे, उस डिपेंड करता है कि पहले ए पे बैठे हो फिर ही एस्टर आएगा ना, यू से एस्टर कैसे जाओगे? उसमें क्या मसला है? अगर साथ अगर लेट से लुक एट माय फिंगर्स, अगर मेरी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, अगर यहाँ पे ब्लैंक है ऊपर और नीचे वैल्यू है, तो ऊपर और नीचे वैल्यू की एवरेज ले लो डेंसिटी वगैरह बॉइलिंग पॉइंट वगैरह करने के लिए, ठीक है? और अगर आपके पास ये वाली वैल्यू है और यहाँ पे ब्लैंक है, नीचे ब्लैंक है और ऊपर वाली वैल्यू है, तो ऊपर और उससे ऊपर वाली वैल्यू में डिफरेंस देखो और उसको आगे पर ऐड कर लो। आई हैव डन दैट। मेरी आवाज़ मेरे मुंह से मैच नहीं करती, बदल लेते हैं यार, क्या करें, मुंह चेंज करवाएं या आवाज़ चेंज करवाएं? अरे नहीं उमर, P2s आर इजी, P4s आर इजी यार, देखना P4 में सबसे आसानी से मार्क्स आते हैं।
चलो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद यील्ड. यार 85 में से आपका अच्छा स्कोर आ रहा होना चाहिए. 85 में से अगर ए स्टार लेना तो आपका 75 से ऊपर आ रहा होना चाहिए. आप लोगों के कमेंट्स खोल लूं एंड देन विल स्टार्ट. स्टार्ट. काफी है उम्र, बहुत है. 9 साल के पेपर्स अच्छे से किए हो. बस डिपेंड करता है जतिन, केमिस्ट्री का पेपर मुश्किल आएगा या आसान. प्रेपरेशन पे है. देखो पेपर हमेशा बैलेंस्ड आता है, जस्ट रिमेम्बर दैट. 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो 50 मार्क्स का ऐसा पेपर होगा जो सब कर सकते हैं, और 10 मार्क का ऐसा पेपर होगा जो बहुत कम बचे रहेंगे. ऐसे बना होगा. अनूप जैन कौन है भाई? एनएन तो कैट इंस्टीट्यूट याद कर लो यार. फतेह. नो आइडिया डूड. लेट्स स्टार्ट. ओके लेट्स स्टार्ट इट. ठीक यार, ए के लिए 65+ आ रहे होने चाहिए आपके 85 में से. नाजिया क्या था आपका रीसेंट कमेंट? 21 से 10 और 20 डिफरेंट टॉपिकल्स किए हैं मैंने, बट ईयरली एक भी नहीं किया. इज इट ओके? नाजिया आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू टू सॉल्व ईयरलीज, बिकॉज इट्स टोटली अ डिफरेंट डील व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन वन टॉपिक एंड व्हेन यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स एट वंस. ओके आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू टू डू दैट. ओके जी लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग विद यील्ड. यील्ड क्या होती है? यील्ड होती है आउटपुट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, एक रिएक्शन की कितनी आउटपुट है, एक रिएक्शन कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो यील्ड इक्वल होती है, परसेंटेज यील्ड इक्वल होती है आपके एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ एक्चुअल यील्ड जो होती है वो आपको हमेशा गिवन होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं. आप जब भी एक मोल्स के क्वेश्चन में किसी भी प्रोडक्ट का मास निकालते हैं तो बेसिकली वो आपकी वो उसकी थ्योरेटिकल यील्ड ही होती है. ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? थ्योरेटिकल यील्ड वो है बेसिकली कि कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी, और एक्चुअल यील्ड वो है कि कितना बन रहा है. ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक वो ग्रेड है जो आप लोगों का आना चाहिए और एक वो ग्रेड है जो आपका आएगा. अब थ्योरेटिकली आप अपना ग्रेड निकाल सकते हो, लेकिन जो एक्चुअली में आना है वो आपके बस में नहीं है, वो जब आप पेपर दोगे तब निकलेगा. तो एक्चुअल यील्ड हमेशा गिवन होगी आपको कि ये है मैथ्स, और थ्योरेटिकली यील्ड आपको हमेशा कैलकुलेट करनी होगी. सो लेट्स डू द क्वेश्चन डायरेक्टली. किसी और की तो स्क्रीन ब्लर नहीं आ रही? स्क्रीन ओके है यार मेरे पास तो ठीक आ रही है, मैंने साथ में फोन पे भी चला रहा हूँ.
You could try to rejoin. Quality is pretty okay. The thing is, if I increase the resolution, तो मेरी आवाज़ लैग करेगी. लेट मी सी. क्वालिटी इंक्रीज करूँगा तो मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम होगा. ठीक है ना स्क्रीन? हाँ, मोस्ट ऑफ यू उनकी स्क्रीन ठीक होगी. लेट मी सी द फ्रेम रेट. अगर तो फ्रेम रेट 2500 है तो आई थिंक इनफ है. नहीं, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं करनी. 2500 केपीएस है तो आई थिंक इट्स फाइन. जिनकी नहीं आ रही, बाकी सबको तो ठीक कह रहे हैं. ओके, लेट्स डू द परसेंटेज यील्ड क्वेश्चंस. अभी देखो, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सो टिन 2 ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टिन 4 ऑक्साइड. तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है. जब भी आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी होगी, तो जिस चीज की परसेंटेज यील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, जिस चीज की परसेंटेज यील्ड आपको कैलकुलेट करनी होगी, उसका एक मास आपको गिवन होगा. उसका एक मास आपको गिवन होगा. जैसा टिन फोर ऑक्साइड है, उसकी परसेंटेज यील्ड निकालें तो टिन फोर ऑक्साइड का एक मास आपको गिवन होगा. ये होगी उसकी एक्चुअल यील्ड. ठीक है, थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करनी है, जिस तरह हम नॉर्मली मास कैलकुलेट करते हो मोल्स में. तो पहला स्टेप क्या होता है? जो मास होता है गिवन, उसके मोल्स निकाल लेते हैं. तो टिन टू ऑक्साइड के मोल्स आएंगे यहाँ पे, विच विल बी 13.5 डिवाइडेड बाय, आई डोंट नो स्टैनिक का मास क्या होता है, लेट्स कॉल इट एक्स राइट नाउ. ओके, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ. तो जो आंसर आएगा वो आएगा वाई. ठीक है, तो ये मोल्स आ गए स्टैनिक टू ऑक्साइड के, टिन टू ऑक्साइड के मोल्स आ गए. आपको टिन फोर ऑक्साइड का क्या चाहिए? मास चाहिए, वो उसकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी. तो कैसे निकालोगे मास? मास होता है मोल्स इंटू एम आर. तो टिन फोर ऑक्साइड के मोल्स निकालने होंगे आपको. तो जो टिन टू ऑक्साइड के मोल्स हैं, वही टिन फोर ऑक्साइड के मोल्स होंगे. यानी कि टिन फोर ऑक्साइड के मोल्स भी कितने होंगे? वाई ही. तो मास कैसे आएगा? मोल्स इंटू एम आर. यानी कि वाई को मल्टीप्लाई करोगे टिन फोर ऑक्साइड के एम आर से, तो लेट से आंसर आता है जेड. ये जेड क्या होगी? उसकी थ्योरेटिकल यील्ड. दिस विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड. परसेंटेज यील्ड आप कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आपको दी हुई है 12.7, थ्योरेटिकल आपको दी हुई है जी और मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है जिसमें आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है. समटाइम्स ये होता है कि आपको वो टन्स में देते थे. अब यहाँ पे देखो, परसेंटेज यील्ड निकाली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की. यू शुड नो कि एक टन में 1 × 10⁻⁶ ग्राम्स होते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपने को, मैंने अभी क्या बताया था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का एक मास आपको गिवन होगा, विच इज 160 टन. सो दिस वुड बी इट्स एक्चुअल यील्ड. ओके, हाउ वुड यू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड? यू विल हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. फॉर यू आर गिवन द मास ऑफ अमोनिया, यू विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया. मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे हैं कि मास ओवर एम आर. तो 100 ओवर MR इसका कितना होता है? NH3 का 17. अब मसला ये है कि 17 जो है वो ग्राम्स में होता है मॉलिक्यूलर मास, और आपको मास दिया हुआ है टन्स में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 100 × 10⁶. लेट से ही आंसर आ जाता है अमोनिया का X. वो क्वेश्चन जिनमें इक्वेजन ना लिखी हो और आप खुद भी नहीं लिख सकते हो, तो अज्यूम कर लेना कि जो मोल्स अमोनिया के हैं लेट से, वही मोल्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के होंगे. यानी कि उसके मोल्स भी एक्स ही होंगे. तो आप मास निकालोगे तो क्या आएगा? मोल्स इंटू एम आर. इसका एम आर कितना है? 14 + 16 = 30. तो लेट से आंसर आता है वाई. ये आ गया इसका मास, यानी कि इसकी थ्योरेटिकल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड
ये वाया है ग्राम्स में। तो आप परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल। एक्चुअल है 160 टन्स, इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, 10 to raise power 6 ओवर ये जो भी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड आई होगी वाई, मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड यू विल गेट द परसेंटेज यील्ड। ठीक है, सो एक तरह के क्वेश्चन ये होते हैं जिनमें आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है, और एक वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको परसेंटेज यील्ड गिवन होती है लाइक दिस। बच्चों कैन यू गाइस सी द स्क्रीन नाउ, समझ आ रहा है? ओके चलो, तो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जिसमें परसेंटेज यील्ड आपको गिवन होती है 75% जिसमें आपको दी हुई है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है बेरियम क्लोराइड का। तो आप नॉर्मली जो मोल का क्वेश्चन होता है जिसमें मास कैलकुलेट करना होता है, आप वैसे ही करोगे। जो भी गिवन डेटा है आपके पास, पहले मोल्स निकाल लो। गिवन डेटा क्या आपके पास, आपके पास 40 cm³ ऑफ दिस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब मैंने पेपर में एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें बेरियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल दिए थे उन्होंने। बच्चों को ये नहीं समझ आई कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यूज दी हुई। ओके सो मोल्स निकालने, इसके मोल्स निकाल लेंगे आप 40 × 1.5/1000 कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। लेट्स से इनके मोल्स आ गए एक्स। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए किसके, बेरियम क्लोराइड के, नो HCl के मोल्स आ गए, एक्स मोल्स आ गए आपके पास HCl। ठीक है, तो आपने क्या निकालना था, बेरियम क्लोराइड का मास। तो पहले इसके मोल्स निकाल लो, जितने मोल्स बेरियम कार्बोनेट के आपने जो जितने मोल्स HCl के निकाले उसको कंपेयर करना होगा आपको। तो HCl और बेरियम क्लोराइड को कंपेयर कर लो। HCl के जब दो मोल्स हैं, बेरियम क्लोराइड का एक ही है, तो जब आपके HCl के x मोल्स होंगे तो बेरियम क्लोराइड के कितने होंगे, ये नोन है आपके पास अभी। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, यानी कि अगर मैं इसको y ले लूँ। अब हुआ ये है कि एक्चुअली में x अननोन नहीं है, लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो लेट से HCl के अगर 0.5 मोल्स होंगे तो बेरियम क्लोराइड के कितने होंगे, इसको x ले लेते हैं, तो 2x ये बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाएंगे 0.25 मोल्स। ये आपके बेरियम क्लोराइड के मोल्स आ गए, इसका मास निकाल लो 0.25 × its mR, वो आपका एक आंसर आ जाएगा। लेट से वो आपका आंसर है जी। ये आपने मास निकाल लिया बेरियम क्लोराइड, लेकिन आपने अभी तक एक चीज़ इग्नोर की हुई है कि उसने आपको परसेंटेज यील्ड दी हुई है, वो आखिर आपको क्यों दी हुई है? देखो सिंपल सी बात है, एक्चुअली फॉर्मूला वो यूज़ हो रहा है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा ये मशीन है आपके पास, उसकी एफिशिएंसी है 75%, ये आपको बताया हो कि एक मशीन लिखी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ ये इतना वर्क कर सकती है लेकिन इसकी एफिशिएंसी है 75%, तो आप क्या करोगे? वो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ एक्चुअल वर्क ये कितना करेगी, तो आप क्या करोगे? आप जो इसने वर्क करना था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी एफिशिएंसी से, तो आपको पता लग जाएगा कि उसने एक्चुअल वर्क कितना करना है। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या है, परसेंटेज यील्ड आपको 75% दी हुई, यानी कि इसका मतलब ये है कि बेरियम क्लोराइड को जितना बनना चाहिए था उसका 75% बन रहा है। अब वो पूछ रहा है कि बेरियम क्लोराइड कितना बन रहा है, तो ये जो आपने जी कैलकुलेट किया है ये बेरियम क्लोराइड वो है जो इसको बनना चाहिए था, लेकिन परसेंटेज यील्ड कितनी है 75%, आप इसको 75% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्चुअल मास आ जाएगा। रेशियो पार्ट में कुछ भी नहीं है, देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि HCl के मोल 0.5 आए हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो अगर HCl के दो मोल है तो बेरियम क्लोराइड का एक मोल है, तो अगर HCl के 0.5 मोल्स होंगे तो बेरियम क्लोराइड के कितने होंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेरियम क्लोराइड के मोल्स आ जाएंगे, वहाँ से उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये था आपका, देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या परसेंटेज यील्ड गिवन होगी या परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी होगी। अब चलते हैं लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंस की तरफ। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंस,
Not really. Once you get the feel of it, the hang of it, it's not a lot of working, Fatih. दो तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट. ओके, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स. नाम से पता लग रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो कम अमाउंट में होगा. एक्सेस रिएक्टेंट विल बी दैट रिएक्टेंट विच विल बी इन एन अमाउंट विच इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड. एक चीज को हम कब कहते हैं कि वो कम है? हम तब कहते हैं जब जितनी हमारे पास है वो कम है उस चीज से जितनी हमें रिक्वायर्ड है, राइट? When we say that we have something in limited amount, that means that the requirement of that thing is actually more than what we have, right? And when we say something is in excess, which it means that the availability of that thing is more than its requirement. That's what it is all about. Limiting an excess reactant यही होते हैं. Limiting reactant वो होता है जो ज़रूरत से कम है. Excess reactant वो होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा है. और हमेशा जो ज़रूरत से कम चीज़ होती है वो डिसाइड करती है प्रोडक्ट क्या होगा. यानी कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स में लिमिटिंग रिएक्टेंट विल इज गोइंग टू बी द वन हु विल डिसाइड द आउटपुट ऑफ द रिएक्शन. वो कैसे? देखो हाँ ठीक है, इट गेट्स यूज आप बेसिकली लिमिटेड अमाउंट में होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है. देखो तुम लोग लेट्स से इफ यू गो फॉर अ डिनर एंड एवरीबडी हैज़ टू पूल इन इक्वली, ठीक है? सबने खाना खाने जाना है और सबको एक जितने पैसे पे करने हैं. तो जिसके पास सबसे कम पैसे होंगे वो डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है, या पर बंदा पर कैपिटल जो है वो कितने पैसे देने हैं. द पर्सन विच हैज़ द लीस्ट मनी विल डिसाइड वेयर यू वुड गो, राइट? तो बेसिकली जो चीज़ कम अमाउंट में होती है वो डिसाइड करती है कि आउटपुट क्या होगा रिएक्शन का. दैट्स व्हाट लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑल अबाउट. Similarly, let's say if you have four steering wheels, जो कार्स में होते हैं ना स्टेयरिंग व्हील्स, लेट्स से इफ यू हैव फोर स्टेयरिंग व्हील्स एंड एट टायर्स, तो हाउ मेनी कार्स कैन यू मेक? यू कैन मैक्सिमम मेक टू टू कार्स ना, बिकॉज यू हैव फोर टायर्स. इवन दो यू हैव फोर व्हील्स, फोर स्टेयरिंग व्हील्स, राइट, बट स्टिल यू कैन ओनली मेक टू कार्स. Why? Because you only have eight tires. Here, tires are going to be the limiting. Not really, Hasham. जिसके पास सबसे पैसे कम होते हैं वही ले, वही डिसाइड करता है. अनलेस कि आपके फ्रेंड्स बड़े अच्छे हैं और वो आपके लिए पूल इन करते हैं. ठीक है, ओके, चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ. Shaheer Ahmed, then that's a problem, yeah. If you have no friends, if only you only have snakes. Okay. अच्छा, अ स्टूडेंट एडेड 4.80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 30.0 ग्राम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. जब भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दोनों रिएक्टेंट के मैसेज दिए होंगे. ऑलवेज वेन एवर देर इज अ लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट क्वेश्चन, यू गाइज विल बी गिवन द मैसेज ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स. यू गाइज शुड नो वन थिंग, यील्ड इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स. While limiting and excess reactants is all about the reactants, okay? So which of these reactants is in excess? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा excess में? तो भाई जिसकी availability required से ज़्यादा है, यानी कि the reactant which is in greater amount than required, that is going to be in excess. So let's calculate the moles of magnesium and moles of propionic acid. So moles of magnesium are 4.8 divided by its MR is 24. I don't have the calculator. Oh, let me get the calculator. Just give me a moment. इनको निकालना पड़ेगा.
थैंक यू हशाम, बट मैं ले आया हूँ। अच्छा 4.8 डिवाइडेड बाई 2.4 है, नहीं 24, ओके सॉरी 0.2। तो 0.2 मोल आए आपके पास मैग्नीशियम के, और एसिड के कितने हैं? गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी गाइज, आई वॉज स्पीकिंग टू लाउड, मेरा पेटा उठ गया। एनी वे, सो मोल्स ऑफ द एसिड वुड बी द मैस ओवर एम आर, तो 30 डिवाइडेड बाई एम आर, किसी ने निकाला नहीं, क्या यार तुम लोग भी। प्रोपोनोइक एसिड का एम आर कितना है? 24 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, तो ये 24 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 74, सो 30 डिवाइडेड बाय 74 वुड बी 0.405। तो ये आपके पास आ गए अवेलेबल मोल्स। ये क्या आ गए आपके पास? दीज आर अवेलेबल मोल्स, यानी कि यू हैव 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अवेलेबल एंड यू हैव 0.405 मोल्स ऑफ एसिड अवेलेबल। नाउ यू हैव टू कंपेयर देम विद द रिक्वायर्ड मोल्स, राइट? सो लेट्स कंपेयर मैग्नीशियम एंड HCl। सो व्हेन देयर वाज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम देयर वाज 2 मोल्स ऑफ HCl। सो अगर 0.2 मोल्स मैग्नीशियम हो तो हमें HCl कितना चाहिए होगा? तो दिस वुड बी x विल बी इक्वल टू 0.4 मोल्स। ठीक है, ये क्या है? दीज आर रिक्वायर्ड। सो द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ HCl इज 0.4 एंड द अवेलेबल मोल्स ऑफ HCl इज 0.405। Available are slightly greater than required, which means that HCl is going to be in excess. Okay? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? Acid, जो भी acid है, is in excess. You have to write the sentence because क्या वो HCl नहीं है? क्या मतलब? हेमंत सर क्या कह रहे हो? सॉरी एसिड दूसरा है, सॉरी, चलो एसिड ले ले, प्रोपोनोइक एसिड है। एसिड इज इन एक्सेस बिकॉज अवेलेबल मोल्स ब्रैकेट में लिख लें कितने, 0.405 आर ग्रेटर देन रिक्वायर्ड मोल्स। या लिख लो रिक्वायर्ड मोल्स भी कितना है, 0.4। सो कैलकुलेट बोथ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड एट आरटीपी। अब आपने हाइड्रोजन के मोल्स निकाले हैं, तो आपके पास तो मैग्नीशियम के भी मोल्स हैं और एसिड के भी मोल्स हैं, दोनों को कंपेयर करके हाइड्रोजन के मोल निकाल सकते हो, बट आपको यूज करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स। अगर आपको पता चल गया है कि HCl आपका, जो प्रोपोनोइक एसिड है वो आपका एक्सेस में है, इसका मतलब है जो आपका मैग्नीशियम है दैट हैज टू बी लिमिटिंग। तो मैग्नीशियम के कितने मोल्स हैं? 0.2। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे। जब भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद वाले जितने भी पार्ट्स में अगर कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी, अगर किसी के मोल्स निकालने होंगे या किसी का मास निकालना होगा या किसी का वॉल्यूम निकालना होगा, तो कंपेरिजन के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स यूज करोगे और उसके अवेलेबल मोल्स यूज करोगे। तो जितने मैग्नीशियम के मोल्स होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मोल्स होंगे, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितने आ जाएंगे, 0.2। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन का, वॉल्यूम होता है मोल्स इनटू 24, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ओवर 24, तो वॉल्यूम क्या होगा, मोल्स इनटू 24, सो आंसर वुड बी 24
4.8 dm cube. ठीक है, ये था लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन नहीं है सारे। बाय द वे आप कंफर्म करने के लिए दूसरी तरफ से भी कर सकते हो, जिस तरह ये अभी तो HCl के एसिड के फाइंड किए थे ना, तो हम मैग्नीशियम के फाइंड करके देख लेते हैं वो लिमिटिंग होंगे। जब मैग्नीशियम के एक मोल था तो एसिड के दो थे, जब मैग्नीशियम जब एसिड इतने मोल्स था 0.405 तो मैग्नीशियम कितना था, तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का कितना मोल्स आएंगे 0.405 डिवाइडेड बाई टू 0.202। तो मैग्नीशियम के रिक्वायर्ड मोल्स हैं 0.202 और अवेलेबल कितने हैं 0.2, थोड़े से रिक्वायर्ड ज़्यादा हैं, इसका मतलब है ये लिमिटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट, क्या रिपीट करना है साथ, प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चन, डो नॉट आस्क अबाउट पूरा क्वेश्चन रिपीट करने का नहीं बोले, आस्क मी योर क्वेश्चन, वी हैव अ लॉट टू कवर। पहले आप अवेलेबल मोल्स निकालेंगे, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है वहां से आप मोल्स निकालेंगे, ठीक है, वो आपके अवेलेबल मोल्स होंगे, उसके बाद आप रेशियो लगाएंगे और रिक्वायर्ड मोल्स निकालेंगे, जिसके अवेलेबल रिक्वायर्ड से ज़्यादा होंगे वो एक्सेस में होगा, जिसके अवेलेबल रिक्वायर्ड से कम होंगे वो लिमिटिंग होगा। ठीक है, ओके, वैसे भी ये लाइव आ जाएगी, आपको अपलोड हो जाएगी, यू कैन ऑलवेज वॉच इट अगेन, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं इसके। तो ये भी हो गया हमारा, लेट्स गो टू जस्ट अ कुकी शही, दैट इज लाइक एक कुकी भेजोगे तुम मुझे यार, सही है यार, ओके ये बेबी गोरिल्ला कहाँ से आ गया, हम क्या करने लगे थे, क्या क्या कहा था मैं तुम लोगों को करवाने का, लिमिटिंग एक्सेस और एसिड्स एंड बेसिस ना, एसिड्स एंड बेसिस, जल्दी से करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। नहीं यार मैं कराची से नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, आई वॉज बॉर्न इन ओकाड़ा एंड देन I went to Lahore for engineering. I did chemical engineering from there. उसके बाद I worked there for a while. मुझे कराची आए अभी तकरीबन 8 माह हुए हैं. I used to be in Lahore. That's nice to know, Zakria. अच्छा भाई, acids की properties जो major है ना, देखो एक तो strong acid होते हैं और एक weak acid होते हैं. Strong acids completely ionize करते हैं और वीक एसिड्स पार्शियली आयनाइज करते हैं। मैं ये वाली प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, इनकी डिसोसिएशन आपको आनी चाहिए। लाइक अगर वो पूछता है कैश टू SO4 को डिसोसिएट करके दिखाओ या आयनाइज करके दिखाओ, तो आपको आना चाहिए। दो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा और ये एक सल्फेट आयन में ब्रेक होगा। HCl का सिंपल है, HNO3 का भी सिंपल है, जितना फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इसको ब्रेक करेंगे तो ये तीन हाइड्रोजन आयन में स्प्लिट होगा और एक फॉस्फेट आयन में स्प्लिट होगा। ठीक है, अच्छा एसिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले एसिड्स और मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। अगर सॉल्ट बनाना सीख लिया तो सारे रिएक्शन आ जाएंगे, और सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ वो रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, क्योंकि मेटल को एसिड को डिस्प्लेस करना होता है ना। एसिड सॉल्ट कैसे बनता है, HCl और मेटल लेट से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही करता है ना, ये MgCl2 जो बनता है हाइड्रोजन की जगह पे आके बैठता है ना, तो डिस्प्लेस करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी रिएक्टिंग मेटल है इट्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो रिएक्ट करेगा, नीचे वाले नहीं करेंगे। होता था हॉट कप, कॉपर नहीं करता, ठीक है।
Let's take the example of an acid. Let's take H2SO4 and it's reacting with aluminum. So metal hit karta hai acid ke negative ion ko. So, aluminum hit karega acid ke negative ion ko. AlSO4 nahi likh dena Allah ke waste. Whenever you have to write the chemical formula, working में पहले ionic form में लिखा करो, उसके बाद chemical formula बनाया करो. Aluminium के ऊपर plus 3 charge होता है, sulfate. नहीं चाचू अहमद, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, क्योंकि दे हैव टू बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सल्फेट पे -2 चार्ज है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये Al2 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई होगा SO4 के साथ, ये 3 पूरे SO4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा Al2SO4 3, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन. इसको बैलेंस कर लें. सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को बैलेंस कर लिया, अगर राइट पे 3 सल्फेट है, लेफ्ट पे 1 सल्फेट है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 सल्फेट हो गए, एसिड डिस्टर्ब हो गई, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गई, तो 6 हाइड्रोजन कर दें, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 ही कर दिया, ठीक हो गया. इसी तरह एसिड्स और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. कोई एसिड ले लेता हूँ, चलो HNO3 ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड लेते हैं, सॉरी, एसिड्स और जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. एसिड HNO3 ले लिया, मेटल ऑक्साइड लेट से कैल्शियम ऑक्साइड ले ली, डायरेक्टली नहीं लिखना, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, ऊपर -2 होता है, तो क्या बनेगा CaO. सॉल्ट कैसे बनेगा, मेटल हिट करेगा एसिड के नेगेटिव आइन को, कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2, नाइट्रेट के ऊपर NO3 -1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, CaNO3 ट्वाइस, और साथ में निकलेगी वाटर निकलेगा. नाइट्रेट राइट पे 2 है, लेफ्ट पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इससे हाइड्रोजन 2 हो गए, पहले से ही 2 है, इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है. चलो और करते हैं, ये पहली दो प्रॉपर्टीज थी, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी करते हैं. जब एसिड्स मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स, तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है अगेन. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं. फॉस्फोरिक एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगेन मेटल हिट करेगा एसिड के नेगेटिव आयन को, सोडियम के ऊपर चार्ज है +1, फॉस्फेट पे होता है -3, 3 कम्स हियर, 1 गोज हियर, सो दिस विल बी Na3PO4, साथ में बनेगा वाटर. 3 Na हैं, 3 Na हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 और 3 6, चलो 6 हो गए, और ऑक्सीजन 3 3 हो गए, ठीक हो गया, बैलेंस्ड, ओके. आयोनिक इक्वेशन करनी थी ना तुम लोगों ने, चलो इसी की आयोनिक बना. एसिड एक्वस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस है, इट्स अ सॉल्युबल बेस. फॉस्फेट, सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ये भी एक्वस होगा, वाटर लिक्विड होगा. आयोनिक इक्वेशंस में हम सिर्फ उन आयंस को, आयोनिक इक्वेशन में सिर्फ आप एक्वस जो होते हैं ना आपके सॉल्यूशंस, उनको ब्रेक करते हैं, ठीक है. तो जो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, तो ये ब्रेक होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, ये ब्रेक होगा 3 हाइड्रोजन आइन्स में, साथ में 1 फॉस्फेट आइन में, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 सोडियम आइटम हो गए तो 3 सोडियम आइन बनेंगे, 3 हाइड्रोक्साइड हो गए तो 3 हाइड्रोक्साइड आइन्स बनेंगे, ठीक है. इसमें 3 सोडियम आइटम है तो 3 सोडियम आइन निकलेंगे और 1 फॉस्फेट आइन निकलेगा, और वाटर को ऐसे ही रहने दोगे क्योंकि लिक्विड है, सिर्फ एक्वस ब्रेक होते हैं, सोडियम आइन्स कैंसिल हो गए, फॉस्फेट आइन कैंसिल हो गए, यू आर लेफ्ट विद 3 हाइड्रोजन आइन्स प्लस 3 हाइड्रोक्साइड आइन्स फॉर्म्स वाटर, तो दिस विल बी योर आयोनिक इक्वेशन, दैट्स हाउ यू राइट आयोनिक इक्वेशन. ठीक है, चौथा रिएक्शन क्या था एसिड्स का, फोर्थ रिएक्शन वॉज
acids react with metal carbonates. Acids react with metal to form salt plus water plus carbon dioxide. जहाँ पे कार्बोनेट हो ना वहाँ पे अगर कोई गैस निकल रही है तो इट्स गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा एसिड ले लिया, कौन सा लें? चलो सिंपल सा ले लेते हैं, एच सी एल लेते हैं. रिएक्टेड विद कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री. सॉल्ट बनेगा, मेटल हिट करोगे एसिड के नेगेटिव आइन को, तो कैल्शियम पर चार्ज है प्लस टू, क्लोरिन पे है माइनस वन. दिस विल बी सी ए सी एल टू, सी ए सी एल टू और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. क्लोरीन राइट पे दो हैं, लेफ्ट पे भी दो हो गए, बाकी बैलेंस हो गए, बाकी बैलेंस ही है. तो ये चार रिएक्शंस हैं. ठीक है, अब आते हैं बेसिस के ऊपर. अच्छा एक चीज़ याद रखो, अक्सर वो आपसे पूछता है, क्वेश्चन आता है, बल्कि मैं एंड पे बताता हूँ जब इंडिकेटर्स करता हूँ. हारमोनियम नाइट्रेट कौन सा है? मिस्टेक, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हो. अमोनियम आइन NH4+1 होता है. अमोनियम इज NH4+1, नाइट्रेट इज NO3-1, तो इसका फॉर्मूला बनेगा NH4NO3. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बेसिस. बेसिस दो तरह की होती हैं. अब मैं सिर्फ तुम लोगों को सिंप्लीफिकेशन के लिए करवा रहा हूँ ये, ठीक है, अब डिटेल में नहीं जा रहा मैं. एक होती है मेटल ऑक्साइड और दूसरी होती है मेटल हाइड्रोक्साइड. -3 चार्ज होता है फॉस्फेट का. सो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल ऑक्साइड जो होती है वो सारी इनसॉल्युबल होती हैं. मेटल हाइड्रोक्साइड में दो तरह की होती हैं, कुछ सॉल्युबल होती हैं और कुछ इनसॉल्युबल होती हैं. ठीक है, जो सॉल्युबल होती हैं उनको हम कहते हैं अल्कलीज. ठीक है, जो आपके कोर्स में है वो आपको याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द सेम थिंग एज एक्वस अमोनिया. जहाँ पे एक्वस अमोनिया लिखा हो समझ जाओ वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही है, इट्स एन अल्कली. ओके, तो अभी अगर आपने जो दो रिएक्शंस पढ़े हैं एसिड्स के मेटल ऑक्साइड के साथ और एसिड्स के मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिस ही तो हैं. तो हम इस रिएक्शन को इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करती हैं आपस में और सॉल्ट और वाटर बनाती हैं. दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उनकी एक ही आयोनिक इक्वेशन होती है, एच प्लस प्लस ओ एच माइनस फॉर्म्स वाटर. हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आयोनिक इक्वेशन बगैर सोचे समझे, अगर न्यूट्रलाइजेशन है तो आयोनिक इक्वेशन ये बना के लिख दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं. ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कुछ एप्लीकेशन का अंदाजा होना चाहिए आप लोगों को. जिस तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स, टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स. ओके, दूसरा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिस का. बेसिस का पहला रिएक्शन तो ये हो गया ना कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं. ओके, फोकस फोकस करो, जो अभी कर रहे हैं मिस्टेक उस पर फोकस करो. ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ सो दैट वी कैन फिनिश इट क्विकली, एंड देन अगर टाइम बच गया हमारे पास 11 बजे से पहले तो हम फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे यार. ठीक है, होना नहीं चाहिए. कंपाउंड्स के किसके चार्ज याद रखने हैं तुमने? एसिड्स, एसिड्स के याद रख लो. H2SO4 का फॉर्मूला आता है, HNO3 का आता है, H3PO4 का आता है, तीनों के तो तुम्हें चार्जेस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्योंकि ये टू जो है यहीं से तो आया हुआ है. और अगर NO3
के नीचे एच के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एन ओ थ्री पे माइनस वन चार्ज था, और ये जो एच के नीचे थ्री है ये यहीं से तो आया हुआ है पी ओ फोर के साथ। ठीक है ऐसा, अगर इसमें मसला हो रहा है तो अगर आपको पॉलीटॉमिक आयन का चार्ज भूल जाए तो एसिड के ना एसिड के फॉर्मूला से याद है ना, वहाँ से निकाल लिया करो। एनीवे दूसरा रिएक्शन है आपका बेसिस का, विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अल्कलीज रिएक्ट करती हैं अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया। अमोनियम सॉल्ट्स का क्या मतलब है? नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है? मेटल होता है और एनायन होता है एसिड का, है ना, इस तरह से सॉल्ट बन जाता है। अमोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? मेटल की जगह होगा अमोनियम और एनायन होगा एसिड का। अगर HCl से आ रहा है तो क्लोराइड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है तो सल्फेट होगा, नाइट्रिक एसिड से आ रहा है तो नाइट्रेट होगा। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, लेट्स टेक एन एल्केली विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लेट्स टेक एन अमोनियम सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड एंड दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया। सॉल्ट कैसे बनेगा? मेटल हिट करेगा इसके नेगेटिव आयन को, ये बनेगा NaCl, साथ में वाटर बनेगा और साथ में अमोनिया निकलेगी। ये क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पूछता है जी, मिस्टेक बिल्कुल पढ़ाता हूँ ए लेवल्स केमिस्ट्री। आई कंटिन्यू दिस चैनल इंशाल्लाह, तो मैं वेकेशन में शुरू कर लूँगा ए लेवल्स। ओके ठीक है भाई, तो अमोनिया निकलती है इसमें से। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बिल्कुल मत भूलना कि ये वाले रिएक्शन में अमोनिया निकलती है। अमोनियम सॉल्ट्स अक्सर यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स में, याद रहे मैंने पहले भी बताया था कि जब सॉइल में हम डालते हैं अमोनियम सॉल्ट फिर इनके फर्टिलाइजर्स, तो कहा जाता है कि जैसे ही फर्टिलाइजर डाले हो ना सॉइल में, क्योंकि वो एसिडिक हो जाती है, तो फौरन उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कोई अल्कली नहीं डालो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें आप अगर अल्कली डालोगे तो नाइट्रोजन कम हो जाती है सॉइल में से। अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है, कि अगर सॉइल में आपने फर्टिलाइजर डाले हुए हैं वो जो कि अमोनियम के सॉल्ट्स हैं, राइट, जब आप अमोनियम के सॉल्ट या फर्टिलाइजर डालते हो सॉइल में तो वो एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक सॉइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अल्कली ऐड करते हैं। कौन सी ऐड करते हैं? वी मोस्टली ऐड कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट इवन, ठीक है। तो जब हम ये ऐड करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए तो वो कहते हैं नाइट्रोजन कम हो जाती है सॉइल में से। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स हैं अमोनियम का सॉल्ट, और अगर आपने अल्कली डाल दी आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? अमोनिया। तो जब अमोनिया रिलीज होगी सॉइल में से तो नाइट्रोजन कम हो जाएगी सॉइल में, ठीक है। ओके लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट्स। इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं वो देख लेना, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो याद करने वाली चीज़ हैं, वो रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं। इंडिकेटर्स वगैरह देख लेना, पीएच वगैरह देख लेना। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि समटाइम्स आपको कहते हैं क्वेश्चन आता है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है एसिड और बेस, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड के दरमियान में, तो आप क्या करोगे? तो हम कहते हैं पीएच मीटर से पीएच मेजर करके बता देंगे। अगर वो कहते हैं कि पीएच मीटर से मेजर कर लिया, आपने पीएच मीटर के अलावा बताओ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप बताओगे कि अच्छा हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे, तो अगर रेड कलर आएगा तो स्ट्रांग एसिड है, और अगर येलो आएगा या ऑरेंज आएगा तो वीक एसिड है। ये भी हो गया। लेकिन अगर इसके बाद इफ ही आस्क यू दैट विदाउट फाइंडिंग द पीएच डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रांग एसिड एंड अ वीक एसिड, विच मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रांग एसिड फ्रॉम अ वीक एसिड विदाउट फाइंडिंग आउट द पीएच, हाउ विल यू डू दैट? आप उसके अंदर या तो मेटल डाल दें या मेटल कार्बोनेट डाल दें, दोनों केसेस में गैसेस निकलती हैं।
ठीक है, उसका उन गैसेस का आप बेसिकली रेट मेजर करेंगे। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे उनमें फिजिंग या एफरवेसेंस या बबलिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है, जल्दी गैस निकलेगी। जो वीक एसिड होंगे उसमें कम निकलेगी, स्लो निकलेगी। यू कैन सिंपली चेक द फिजिंग, स्ट्रॉन्गर एसिड में फिजिंग तेज होगी, वीकर एसिड्स में फिजिंग स्लो होगी, तो रिमेंबर दिस। उसके बाद आते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के कुछ रूल्स हैं। नाइट्रेट्स सारे सॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट्स ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ठीक है। एज फार एज क्लोराइड्स आर कंसर्न, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, कुछ एक्सेप्शन हैं, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, किनके अलावा, स्मॉल मीडियम लार्ज सिल्वर, बल्कि मरकरी भी खत्म हो गई है वैसे सिलेबस से, एंड लेड, ये तीन क्लोराइड हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे क्लोराइड सॉल्युबल हैं। यानी कि इन तीनों के अलावा जितने भी क्लोराइड्स आएंगे उनके नीचे आप एक्वस लिखो। जहाँ तक सल्फेट्स की बात है, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, आई कॉल इट कासो, बासो एंड पासो, ठीक है। ये तीन सॉल्ट्स हैं जो इनसॉल्युबल हैं, लेट्स रिमेंबर इट लाइक कासो बासो पासो, बाकी सारे सॉल्ट्स सॉल्युबल हैं। यानी कि जब भी और कोई सल्फेट लिखोगे तो उसके नीचे एक्वस आएगा। कार्बोनेट्स आर अ बिट डिफरेंट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ज्यादातर कार्बोनेट्स क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आर्मी पब्लिक स्कूल, अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये तीन कार्बोनेट सॉल्युबल हैं ये वाले, बाकी सारे इनसॉल्युबल हैं। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ग्रुप वन के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे सॉल्युबल हैं। यानी कि अगर इसमें आयोडाइड या ब्रोमाइड वगैरह नहीं है ना, लेकिन अगर सोडियम का ब्रोमाइड लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो सॉल्युबल है, क्योंकि ग्रुप वन में, ग्रुप वन के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे सॉल्युबल हैं। और ग्रुप वन के अलावा अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे सॉल्युबल हैं। ग्रुप वन के सॉल्ट्स और अमोनियम सॉल्ट्स सारे के सारे सॉल्युबल, याद रखना है बात, ठीक है। आगे चलते हैं प्रेपरेशन की तरफ। बच्चों अगर आपने आपस में बातें करनी है तो काइंडली लीव, ठीक है, इसको क्राउडेड नहीं करें चैट को। यस इट विल बी अपलोडेड दानिश, अहमद फयाज, काइंडली अगर आपने आपस में बातें करनी है तो प्लीज लीव इट, ओके। आपस में बात करनी है तो डायरेक्टली बात कर लो, अदरवाइज फिर मैं आपको बैन कर देता हूँ चैनल से। इंशाल्लाह लुकमान, इंशाल्लाह। एनीवे, प्रिपेयरिंग सॉल्ट्स, ऑक्साइड्स में पढ़ा देता हूँ। प्रिपेयरिंग सॉल्ट्स, एक होते हैं आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट्स और एक होते हैं आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स। दोनों को प्रिपेयर करने के मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट आपने जब भी प्रिपेयर करने हैं आप दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस लेंगे, टू सॉल्युबल सब्सटेंस, यू विल टेक टू सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू मेक एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। लेट्स से अगर मैंने Ag सिल्वर क्लोराइड बनाना है विच इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो आपको दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस लेने पड़ेंगे, सिल्वर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी और क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी। तो सिल्वर का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, लेट्स से नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं, वी नो दैट। अब क्लोराइड के हमें पता लग गए कि सिल्वर, मर्करी और लेड के अलावा बाकी सारे क्लोराइड सॉल्युबल है। अब कैल्शियम क्लोराइड ले लो, अब मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, अब सोडियम क्लोराइड ले लो, तो Ag आ जाएगा AgNO3 से, Cl आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड से। आप इवन एसिड भी डाल सकते हो, यू कैन ऐड HCl टू इट, ठीक है, तो उससे AgCl बन जाएगा।
तो पहला आपका स्टेप होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए, आप मिक्स करते हो सब्सटेंसेस को, जो भी आपके दोनों सब दो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे प्रॉपरली। सेकेंड स्टेप होता है आप इनको फिल्टर करते हो। किसको फिल्टर करोगे? आप इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है आपका सिल्वर क्लोराइड, इसको फिल्टर कर लो। फिल्ट्रेशन के बाद आप इसको वॉश करेंगे। वॉश किससे करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर से, वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर। ओके, वॉशिंग हो जाएगी तो ये क्लीन हो जाएंगे, एंड पे आप ड्राई कर लेंगे सिंपली। एंड पे आप कर लेंगे इसको ड्राई इन वार्म ओवन। कलाम मैं पॉलीमर्स पढ़ा चुका हूँ, आप प्लीज़ पिछली लाइव देख लें, उसमें मैंने पढ़ा दिया वो। ओके, सो हाउ विड वी मेक सॉल्युबल सॉल्ट्स? सॉल्युबल सॉल्ट में आपको चेक करना पड़ता है, एंड यू शुड नो कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, आपके दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस मिलके इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होता है उसका नाम होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म, इट कैन बी टू सॉल्युबल सॉल्ट्स और इट कैन बी टू सॉल्युबल सब्सटेंसेस, दे मिक्स टुगेदर टू मेक एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू सॉल्युबल सॉल्ट्स, दे आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर आप मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट से कोई सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं, तो आप जो मेथड यूज करेंगे दैट इज नोन एज एक्सेस। और अगर आप कोई सॉल्युबल सॉल्ट मेटल हाइड्रोक्साइड से बना रहे हैं, तो आप एक मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, अब देखो सीन क्या है, मेटल मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट, इन तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? इन तीनों में एक चीज कॉमन ये है कि सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। क्या है सारे के सारे? इनसॉल्युबल। जब भी आपके सॉल्युबल सॉल्ट इनसॉल्युबल चीज से बनाओगे तो मेथड लगेगा एक्सेस, और जब भी आपके सॉल्युबल सॉल्ट किसी सॉल्युबल चीज से बनाओगे यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड से बनाओगे तो मेथड लगेगा टाइट्रेशन। ओके, अब एक ही सॉल्ट बनाते हैं दो डिफरेंट तरीकों से। लेट से मुझे बनाना है सोडियम नाइट्रेट, आई वॉन्ट टू मेक सोडियम नाइट्रेट एंड आई वॉन्ट टू मेक इट फ्रॉम सोडियम मेटल या सोडियम, चलो यही ले लो यार, खैर बात समझाने के लिए कह रहा हूँ बस। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड डालोगे आप, राइट? तो पहला पॉइंट ये होगा इसका कि यू विल हैव टू ऐड सोडियम इन नाइट्रिक एसिड until it is in excess. Excess का क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात है, आपको ये मेक श्योर करना होता है कि रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कैसे मेक श्योर करते हो? लेट से मैंने सोडियम डाला नाइट्रिक एसिड में, वो डिसअपियर हो गया, मुझे पता चल गया वो रिएक्ट कर गया, और डाला वो भी डिसअपियर हो गया, देन आई एडेड सम मोर दैट डिसअपियर्ड एज वेल, दे विल कम अ पॉइंट व्हेन सोडियम विल स्टॉप डिसअपीयरिंग। At that point, our indication would be that all the acid is consumed. सारा का सारा acid consume हो गया। जैसे sodium disappear होना बंद हुआ, सारा का सारा acid consume हो गया। तो you end up adding sodium in excess. तो अब आपके पास, आपने इसमें nitric acid डाला था, तो nitric acid आपने सारा use कर लिया। अब आपके पास इसमें sodium भी है जो कि extra आपने डाल दिया, sodium nitrate भी है जो आपको actually में बनाना था। तो अब हमें तो सोडियम नाइट्रेट चाहिए जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है, हम हीट करके निकाल सकते हैं इसको वेपराइज करके, लेकिन हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा जो आपने एक्सेस में डाल दिया। तो यू विल हैव टू फिल्टर दी एक्सेस सोडियम। ठीक है, वंस यू हैव डन विद दैट यू कैन हीट द सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट
रिमेंबर दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सोडियम एंड एसेसिलेरियम के दोनों तरफ यूज हो जाएगा जल्दी में। वैसे सोडियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो अभी जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं सोडियम यूज कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फिट टू यू बी यूज हियर, रिमेंबर दैट। जैसे एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई सॉलेबल सॉल्ट बनाना है किसी इनसॉलेबल चीज से, तो दैट्स व्हाट यू डू, ओके? एंड देन यू विल ड्राई द क्रिस्टल्स इन वार्म ओवन। ओके, और अगर हमने सोडियम नाइट्रेट बनाना हो, सोडियम नाइट्रेट बनाना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देन व्हाट विल वी डू? तो हम एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज टाइट्रेशन। ठीक है, अब सॉल्युबल, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सीन ये है कि वो सॉल्युबल है। अब सॉल्युबल चीज़ों का मसला ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो एक्सेस में आपने डाल दी है, क्योंकि वो तो डिजोल्व वैसे ही हो रही होंगी, चाहे वो रिएक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, दे स्टिल डिजोल्व। तो ये पॉइंट, ये मसला है इसके अंदर। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज टाइट्रेशन। उसमें हम क्या करते हैं, अब हमने इसमें भी नाइट्रिक एसिड ही डालना है वैसे तो, अब इसमें क्या करेंगे हम, एक होता है आपके पास ब्यूरेट, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है आपके पास कॉनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट के अंदर लेट से मैंने डाल दिया एसिड, और कॉनिकल फ्लास्क में मैंने क्या डाल दी, अल्कली, जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है इस केस में। और इधर मैंने और क्या डाल दिया, इंडिकेटर। ठीक है, तो पहले आप बता दोगे कि आपने एसिड को ब्यूरेट में डाल दिया लेट्स, और अल्कली को कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, या ग्लूकोज, यही तो बता रहा हूँ मैं। मैंने वैसे ही सोडियम का एग्जाम्पल लिया ताकि एक ही से आपको दोनों समझ आ जाए, ही विल गिव यू द स्टार्टिंग मटीरियल, ओके? और अगर नहीं देगा तो उस चीज़ का हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। दोनों में से कोई नहीं लिख सकते, यही तो कैच होगा, उसने आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होगी। लेकिन याद रहे, अगर आपको उसने सिर्फ ये बोला हो कि सोडियम नाइट्रेट बना दो और अपनी मर्जी से चूज़ कर लो, वैसे वो अपनी मर्जी से चूज़ करने के लिए नहीं देगा मोस्ट लाइकली। अगर वो बोलता है कि अपनी मर्जी से चूज़ कर लो, तो गो फॉर टाइट्रेशन ऑलवेज। ऑर्गेनिक कर चुके हैं यार कलाम, पहले बताया तो है मैंने आपको, लाइव देखो एस्टेरिफिकेशन और पोलीमराइजेशन की मैं कर चुका हूँ यार। आई विल ट्राई कि कल लाइव हो, बट आई एम नॉट श्योर येट। ओके, तो सबसे पहले आपका स्टेप होता है डू टाइट्रेशन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एसिड को ब्यूरेट में डाल दिया, अल्केली को कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया, और उसमें इंडिकेटर डाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको प्रॉब्लम ये बता रहा था कि इसमें आपको पता नहीं चलता कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गया, दैट्स वाई यू यूज टाइट्रेशन। अब जब मैंने अल्कली में इंडिकेटर डाला, तो इंडिकेटर वो कलर शो करेगा जो उसका अल्कली में होगा। लेट्स से अभी यहाँ पे सॉल्यूशन की पीएच 12 है, मैंने ये टैप ओपन किया, इसमें से ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाएंगे अल्कली में। जैसे ड्रॉप्स गिरना शुरू होंगे, ये पीएच रिड्यूस होना शुरू होगी, 11 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, इवेंचुअली 7 हो जाएगी। जब ये 7 हो जाएगी पीएच, इसका मतलब है कि आप का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बट पीएच 7 पे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि कलर चेंज नहीं हुआ होगा। जैसे पीएच 7 के बाद पहला ड्रॉप एसिड का गिरेगा ना इसके अंदर, साथ ही इंडिकेटर अपना वो कलर कर देगा जो उसका एसिड में होगा, क्योंकि पीएच 7 से नीचे चली जाएगी, दैट विल टेल यू कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेप होता है डू टाइट्रेशन विद इंडिकेटर। इंडिकेटर के साथ आप टाइट्रेशन करते हैं टू फाइंड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है, जहां पे कलर चेंज हो गया। उसके बाद यू रिपीट टाइट्रेशन, आप टाइट्रेशन को रिपीट करते हैं, रिपीट टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर। अब ये क्यों करते हैं, देखो मेरे पास सोडियम नाइट्रेट बन गया, लेकिन मसला ये है कि उसमें इंडिकेटर भी तो है, इंडिकेटर सॉल्यूबल होता है, उसके चार पांच आप ड्रॉप्स अंदर डालते हो, वो एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, सॉल्युबल लिक्विड होता है। अब मसला यह है कि आपने जो सॉल्ट निकालना है उसके अंदर इंडिकेटर मिक्स हुआ हुआ है, तो ये तो इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो हमें इंडिकेटर नहीं चाहिए, लेकिन हम इंडिकेटर इसमें से रिमूव कैसे करें, तो हम करते ये हैं कि दूसरी टाइट्रेशन करते हैं विदाउट इंडिकेटर। टाइट्रेशन को रिपीट करते हैं लेकिन इंडिकेटर के बगैर करते हैं। वो क्यों, क्योंकि अब हमें ऊपर ब्यूरेट की रीडिंग से ये पता चल गया था कि कितना वॉल्यूम हम एसिड का डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है।
अच्छा, हमें पता है कि कितना एसिड डाल के कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन सिंपली रिपीट आइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर, और इवेंचुअली जो आपका सॉल्ट बनेगा वो बिल्कुल प्योर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सॉल्ट बन गया, यू कैन सिंपली स्टार्ट विद दिस। हीट द सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन विद टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, देन यू कैन ड्राई द क्रिस्टल्स एंड वार्म अप। तो दिस वॉज योर सॉल्युबल सॉल्ट। कुछ लोग ऑक्साइड्स का कह रहे थे, वो देख लो। दो ऑक्साइड्स की कुछ टाइप्स होती हैं, देर आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, देन देर आर बेसिक ऑक्साइड्स, देन देर समथिंग कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और लास्टली सिलेबस में तो नहीं है लेकिन चलो समझ लो, फोर्थ इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड क्या होती हैं? एसिडिक ऑक्साइड होती हैं नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स। जितने भी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यू नो, ये सारी क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड का तुम्हें पता ही है, हम पता है बेसिस दो तरह की होती थी, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो ऑब्वियसली बात है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगी? बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल ऑफ दैट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तीन हैं आपके सिलेबस में, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। एम्फोटेरिक वो होती हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर लेती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव बोथ एज एसिड्स एंड बेसिस। द थिंग इज, हमें ये पता है ना कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड एंड बेस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट? अब द थिंग विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज कि अगर मैं इसको एसिड की जगह पे रिएक्ट करवाऊंगा तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, और अगर बेस की जगह रिएक्ट करवाऊंगा तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो बेस की तरह एक्ट करेंगे, अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो एसिड की तरह एक्ट करेंगे। दैट्स द डील विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये तीनों मेटल के ही ऑक्साइड होते हैं लेकिन इससे बाहर एम्फोटेरिक नहीं आएंगे, इन तीनों को याद कर लो। न्यूट्रल ऑक्साइड एक ही है, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गए आपके एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। अच्छा जी, जिंक एक्टिंग एज एसिडिक, मतलब यार रिएक्शन नहीं आएंगे आपको, फिक्र नहीं करो। जिंक ऑक्साइड इस मैक्सिमम से ये पूछेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी है, या नाम लिख दो इस टाइप का कुछ। आई थिंक हमने कर लिया ना जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, वी आर डन विद दैट। किन की एग्जैक्ट डेफिनेशंस? हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर होता है। ओके, मैंने जल्दी ख़त्म ही कर दिया वैसे, तुम लोगों को सोना होगा, कल इंग्लिश का पेपर है काफ़ी लोगों का। ओ यस मारिया, इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमने। मारिया इलेक्ट्रोलाइसिस अभी भी करना है तुम्हें? चलो करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, फिर करते हैं।
साथ एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक कभी करवा तो दिए मैंने। ओके लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलिसिस नाउ। यार इलेक्ट्रोलिसिस ना 3 से 4 टॉपिक्स की मार है बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलिसिस से पहले कुछ और चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। मैंने आई थिंक रीडॉक्स केमिस्ट्री पूरा लिखा हुआ था, तो रीडॉक्स केमिस्ट्री में रीडॉक्स रिएक्शन भी आते हैं। एनीवे ओके लेट्स स्टार्ट। तो रीडॉक्स, रीडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रही होती है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज रिडक्शन? यू कैन रिमेंबर दिस एज ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो इक्वेशन की राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, और जब भी रिडक्शन शो करनी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। अगर इक्वेशन लेफ्ट पर साइड पर लिखे हुए हैं तो समझ आना कि रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे लिखे हुए हैं तो समझ जाना ऑक्सीडेशन हो रही है या इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। देर नो डेफिनेशन फॉर देम अदर देन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट एज एसिड्स, बिहेव एज एसिड्स, बेसिक ऑक्साइड बिहेव एज बेसिस। नोट्स का क्या सीन चल रहा है? नहीं आ दिया ये ये नोट्स कौन से वाले जो मैं लिख रहा हूँ? यार मैं इस वजह से अपलोड नहीं कर रहा, इसको मैं कहाँ पे अपलोड करूँ? ये आपके पास वीडियो में है तो सही, तो यू कैन मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम दिस। जहाँ तक मेरे अपने नोट्स की बात है वो मैंने अभी रिवाइज करने हैं अपने नोट्स, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया हुआ है, तो इस वजह से उनको मैंने अपलोड नहीं किया। ठीक है ओके ये थे रीडॉक्स। और बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, यानी कि लेट्स से जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं किसी एटम में से, तो समझ जाओ कि कोई भी एटम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है या कम नेगेटिव हो जाता है। यानी कि लेट्स से अगर कोई चीज़ +2 से -2 पर चली गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यू जस्ट एडेड -4। इसका मतलब आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब क्या होगा? रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और अगर यही जा रही हो -2 से 0, इसका क्या मतलब है? इसमें +2 ऐड किया आपने, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो याद रहे कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एक एटम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो कोई भी एटम या आयन ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस की बेसिक्स की तरफ चलते हैं। आपको बाय द वे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का आइडिया होना चाहिए। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं आपके कोर्स में, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं आपके कोर्स में, एक है KMnO4 और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इनके कलर चेंजेस पर्पल टू कलरलेस और ऑरेंज टू ग्रीन, और एक रिड्यूसिंग एजेंट है आपके कोर्स में। रिड्यूसिंग एजेंट है आपके कोर्स में दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। इसका कलर चेंज होता है कलरलेस टू ब्राउन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। बेसिक सी बात ये है, मैं अपरेटस बना के दिखाता हूँ एक सेकेंड।
बेसिक अप्रेटसेस का क्या होता है? बैटरी या इलेक्ट्रिकल सोर्स जो भी है कनेक्टेड करेंगे आप इनको दो बार्स के साथ जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिप हुए होते हैं एक लिक्विड के अंदर जिसको आपने एक्चुअली में ब्रेक करना होता है, और इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। वी कॉल दिस इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो होते हैं वी कॉल दीज इलेक्ट्रोड्स। ये आपका बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सिंपली होता ये है कि ये पॉजिटिव एक टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड डिफरेंट होता है, नेगेटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड डिफरेंट होता है। तो पॉइंट ये होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट में से, ये स्प्लिट होता है अपने आयंस में और ये आयंस अट्रैक्ट हो जाते हैं टू दीज इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली अगर आयंस में स्प्लिट हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक कंपाउंड्स का ही बना होगा ना, और आयोनिक कंपाउंड्स का हमें पता है कि वो सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग करते हैं। तो या तो वो आयोनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होगा या वो एक्वस स्टेट में होगा। लिक्विड का मतलब मोल्टन फॉर्म में होगा। यस सो हेव इट विल बी अपलोडेड, इफ यू वांट टू स्लीप यू कैन गो टू स्लीप। ठीक है, लेट्स से सोडियम क्लोराइड है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ लिक्विड सोडियम क्लोराइड। तो दो आयन आए आपके पास, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स आपके बेसिकली दो हैं, एक को हम कहते हैं कैथोड और एक को हम कहते हैं एनोड। जो आपका कैथोड है इट अट्रैक्ट्स कैटाइंस, कैथोड अट्रैक्ट्स कैटाइंस, एनोड अट्रैक्ट्स एनाइंस। कैटाइंस आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं तो कैथोड क्या होगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव। एनोड एनाइंस को अट्रैक्ट करें, एनाइंस नेगेटिव होते हैं तो एनोड क्या होगा? पॉजिटिव। अगर याद रखना है इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, यू कैन राइट इट एज पैनिक, पॉजिटिव इज एनोड नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, तो क्या होगा? अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड है वो क्या है? ये कैथोड है मतलब, और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है ये क्या है? दिस वन इज एनोड। तो अब देखते हैं रिएक्शंस कैसे होंगे। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैटाइन, जो कि क्या है? सोडियम आयन। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर करवाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ये सोडियम मेटल बन जाएगा। और एनोड पे कौन जाएगा? एनाइन विच इज क्लोराइड आइन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगी। ठीक है, और लूज हमेशा राइट पर लिखते हैं आप, ओके लेकिन हमें यह पता है कि क्लोरीन डायटॉमिक होती है, यानी कि हमेशा सी एल टू की फॉर्म में बनेगी जब भी अकेले बनेगी। तो अगर सी एल टू बनाना है तो क्लोराइड आयन भी दो लेने पड़ेंगे, जब दो लोगे तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। नाम की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामर कैटलिस्ट यूज होता है लेकिन नाम की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, अगर यही मैं सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं लेकिन मेरे पास एक्वस सोडियम क्लोराइड है, तब यहाँ पे कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो और आयन आ जाएंगे, सोडियम आयन भी है क्लोराइड आयन भी है, और पानी के दो आयन्स भी आ जाएंगे विच इज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब आपके पास कैथोड पे जाने के लिए दो कैटाइन्स है और एनोड पे जाने के लिए भी दो एनाइन्स है, तो अब कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए आपके पास होती है रिएक्टिविटी सीरीज विच इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट ज़ेब्रा। पी फॉर पोटेशियम, एस फॉर सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग फॉर कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, क्यूट फॉर कार्बन, ज़ेब्रा फॉर जिंक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक विच इज आयरन, लाइक विच इज लेड, हॉट विच इज हाइड्रोजन, कप विच इज कॉपर, ऑफ मिंटी स्वीट पेप्सी विच इज मर्करी, स्वीट इज सिल्वर एंड पी इज प्लैटिनम। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट डज इट मीन? हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है बट सिलेबस में नहीं, यू जस्ट नीड टू नो के क्रैकिंग हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है।
रिएक्टिविटी सीरीज है, क्या होती है रिएक्टिविटी, एज यू गो डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो कैथोड पे आपके पास दो आयन्स है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। जो आपको रूल याद रखना है वो ये है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है वो कैथोड पे जाता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, तो इसमें से रिएक्टिविटी सीरीज में कौन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन हमेशा लेफ्ट पे लिखेंगे, तो ये हाइड्रोजन आइटम बना देगा। हमें पता है हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, तो आप दो हाइड्रोजन आयन लेंगे और दो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। एनोड के लिए क्या करेंगे, एनोड के भी रूल्स याद रखें। एनएनस के रूल्स क्या होते हैं, इनके सिंपल है। देखो, जब भी हेलोजन और हाइड्रोक्साइड का कंपटीशन होगा तो हमेशा हेलोजन डिस्चार्ज होगा। हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जब भी हेलोजन और हाइड्रोक्साइड का कंपटीशन होगा हमेशा हेलोजन डिस्चार्ज होगा। कोई बात नहीं मेरीन, कोई बात नहीं, नहीं पर नहीं है लेड और प्लैटिनम, कोई बात नहीं, वोंट डू एनीथिंग टू, ठीक है, जस्ट चिल। हेलोजन और हाइड्रोक्साइड है, हमेशा हेलोजन डिस्चार्ज होगा। ओके, और जब भी हाइड्रोक्साइड का कंपटीशन होगा किसी भी और एनायन के साथ, एनीवन, तो हमेशा हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर जिस तरह कॉम्पिटिशन है हेलोजन और हाइड्रोक्साइड के दरमियान में, तो हेलोजन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यह आप क्लोराइड आयन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये लूज कर लेगा इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन आइटम बन जाएगा। आपको क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है तो दो क्लोराइड आयन लेने पड़ेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। आर्यन जस्ट इग्नोर कि एक सोल्यूशन डाइल्यूट है या कंसेंट्रेटेड है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वाइल सिंस उन्होंने ये पूछा, ठीक है। और मेरी एक दफ़ा आपके केम्ब्रिज एग्जामिनर से बात हुई थी, एंड ही सेड दैट अब ये रूल याद रखें कि हेलोजन और हाइड्रोक्साइड में जब भी कॉम्पिटिशन होगा तो हेलोजन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, यस हो गया। अच्छा जी, अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड की हम कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन होगा, सल्फेट आयन होगा और हाइड्रोक्साइड होगा। तो हाइड्रोजन आयन तो सिंपल है, ये मैं पता ही सोचा से रहा हूँ कि एनोड पे अब हाइड्रोक्साइड और सल्फेट का कॉम्पिटिशन होगा, तो हाइड्रोक्साइड जाएगा। हाइड्रोक्साइड की एक इक्वेशन आती है, इसको ऐसे ही याद रख लो, ऐसे ही याद रख लो कि ज़्यादा इजी रहेगा, एक्सेप्ट फॉर अगर समझने बैठोगे तो अभी बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे ही याद रख लो, जब भी हाइड्रोक्साइड जाएगा एनोड पे तो ये रिएक्शन होगा। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, अरे वही बता रहा था कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला जो सीन है ना, वो काफ़ी देर से टेस्ट ही नहीं हुआ, और मेरी कपल ऑफ ईयर्स पहले एग्जामिनर से बात हुई थी कैम्ब्रिज के फोरम्स पे, कैम्ब्रिज के फोरम्स पे, उन्होंने यही कहा था कि जस्ट स्टूडेंट्स को यही कॉन्सेप्ट दें कि हेलोजन और हाइड्रोक्साइड का जब कॉम्पिटिशन होगा तो हेलोजन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं, हम चलते हैं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सल्फेट आयन नहीं डिस्चार्ज होता, नहीं, ना सल्फेट होगा ना कार्बोनेट होगा, इसकी इनकी कोई इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आप एक मेटल को दूसरे पे डिपॉजिट कर देते हो। तो बेसिकली इसको समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है आप लोगों का, इस तरह से इसको याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस बेसिकली मास का लॉस है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब वो मास लूज कर रहा है, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे मास गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इज इक्विवेलेंट टू लॉस इन मास, और इलेक्ट्रॉन्स का गेन इज इक्विवेलेंट टू गेन इन मास। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने करनी है तो कैसे करोगे? एक मेटल को दूसरे पे डिपॉजिट करना है, यानी कि एक मेटल वहां से लूज हो और वो दूसरे पे जाके डिपॉजिट हो जाए, यानी कि एक जगह पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक जगह पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेट से अगर मैंने इस कप को कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है, इस कप को कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कॉपर यहाँ से उठे और इस कप पे जाके आयरन के कप के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाए, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि कॉपर यहाँ से निकले, मैस यहाँ से लूज हो और यहाँ पे जाके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, राइट? तो कैसे होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होता है? एनोड पे। तो एनोड एनाइन्स अट्रैक्ट करते हैं, एनाइन्स नेगेटिव होते हैं, तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा होगा, जिस चीज से इलेक्ट्रोप्लेट करना होगा वो पॉजिटिव एंड पे लगा होगा, यानी कि एनोड पे, और जिस चीज को इलेक्ट्रोप्लेट करना होगा वो कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे लगा होगा। ओके महोदय सर, आई सी यू। बस ये इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो रहा है, उसके बाद विल डू दैट। ओके, इनफैक्ट आई जस्ट मैसेज यू, आई विल बी जस्ट डन विद दिस स्ट्रीम इन लाइक 10 मिनट्स एंड देन वी कैन हैव सेशन। सेपरेटली कभी कर सकते हैं हम लोग, अगर स्क्रीन सही नज़र आ रही है आपको तो यहीं पर कर लेते हैं। एनीवे, तो इसको डिप करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का होता है? जिस चीज़ से इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हो उसका कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लेते हो आप, यानी कि कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हो तो कॉपर का कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, कॉपर का नाइट्रेट ले लो या कॉपर का सल्फेट ले लो, योकॉल, ठीक है? तो बेसिकली कॉपर यहाँ से उठेगा और यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि एनोड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऐसे, और कैथोड कैटाइंस को अट्रैक्ट करता है तो कॉपर आइंस कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर जाके। ये एनोड पे रिएक्शन हो रहा है और ये कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? नो अल्फाज, वी वोंट डू मेटल्स एंड दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन वॉच द वीडियो फॉर दोस्, ठीक है? ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरह का एक और सीन है कि आपके पास इम्प्योर कॉपर है और उसको आपने प्योरीफाई करना है, तो उस केस में भी आप क्या करते हो? उस केस में आप इसको कनेक्ट करते हो प्योर कॉपर के साथ, इम्प्योर कॉपर को कनेक्ट करते हो प्योर कॉपर के साथ। तो अब यहाँ पे आप इम्प्योर कॉपर को कैसे प्योरीफाई करते हो? आप यहाँ से इम्प्योर कॉपर के ब्लॉक से सारा कॉपर उठा के प्योर कॉपर के ऊपर लगवा देते हो, यानी कि यहाँ पे आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाना चाह रहे हो, मैस यहाँ पे लूज करवाना चाह रहे हो, और यहाँ पे आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाना चाह रहे हो, यानी कि मैस को गेन करवाना चाह रहे हो, ठीक है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पे। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एंड पे लगाओगे जहाँ पे लॉस होना है मैस या इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव टर्मिनल को इधर लगाओगे प्योर कॉपर पे। अगेन, इनको डिप किससे करेंगे? डिप करेंगे जिससे इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं आप, उससे करेंगे, ठीक है? विच इज कॉपर सल्फेट अगेन, और ये सेम रिएक्शंस यहाँ पे होंगे, कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड पे और कैथोड पे जाके गेन कर लेगा। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दीज आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। इससे पहले जो हम H2SO4 और NaCl की कर रहे थे उसमें इलेक्ट्रोड्स का तो हमने जिक्र भी नहीं किया कि वो किस चीज़ के बने हैं, बिकॉज दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दे आर अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अक्सर आपसे पूछता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का केस होता है, बल्कि वो आपसे पूछता है, एक केस होता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ये होते हैं उसमें और कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस चल रही होती है, तो उसमें ये होता है कि क्योंकि कॉपर आयंस हाइड्रोजन से नीचे होते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, राइट? तो जैसे कॉपर आयंस निकलना शुरू होते हैं तो ब्लू कलर फेड हो जाता है। वो आपसे पूछता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप बताते हो कि ब्लू कलर फेड हो गया। उसके बाद वो क्या करता है? कॉपर सल्फेट भी दे देता है आपको इलेक्ट्रोलिसिस करे होते, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साथ दे देता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में कॉपर सल्फेट फेड नहीं होता, ब्लू कलर फेड नहीं होता, क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर आयन्स जा ही नहीं रहे, जो भी आयन्स जा रहे हैं वो ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर फेड नहीं होता, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर फेड होता है, ठीक है? क्या चीज़ मायरा, हर केस में क्या सेम होता है?
हाँ वो मैंने कर दी, रिवाइज साइटेशन हो गई। ठीक है, आई थिंक वी आर डन। एनोड कैथोड सेम होता है। मायरा मुहदसा और मारिया, तुम लोग, मैं लिंक भेज रहा हूँ तुम लोगों को सेपरेटली, तो जो क्वेश्चन है तुम लोग मुझसे आके मीट पे पूछ लो, गूगल मीट पे। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद टुडे। तो इंशाल्लाह जो है वो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, इन केस वी डोंट मीट टुमारो। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू डू द लाइव टुमारो, सो ठीक है इंशाल्लाह अच्छा होगा आप लोगों का P2। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और परेशान नहीं होना, इट विल ऑल बी फाइन इंशाल्लाह। ओके देन गाइज, अल्लाह हाफिज़। यू आर वेलकम सुभान।